मेरे घर पे आते हो, मेरे धनबाद में आते हो, मेरे गांव पे आते हो, तो मैं आपके वीडियो में नहीं आऊंगा। आप फोटो ले सकते हैं, जो भी आएगा मेरे घर के बाहर में, चाहे वो कोई भी रहे, वीडियो में मैं नहीं आऊंगा। कान खोल के सुन लो, फाइनल रिक्वेस्ट है, लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर आज के बाद कोई आते हो घर पे, वीडियो में मैं नहीं आऊंगा। आप मेरे धनबाद में आओगे, घर में आओगे, वीडियो में नहीं आऊंगा। कि आप लोगों ने कभी सोचा था जो मनोज दे जब सोशल मीडिया पे उसको सफलता मिल जाएगा, जब वो बड़े यूट्यूबर्स हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ कभी ऐसे भी व्यवहार करेंगे? आज वो दिन पर्दे के पास बैठकर वीडियो बनाना और मतलब कहा जाए तो घमंड नहीं, सादगी दिखाना कि वो भूल गया जिस दिन वो भी एक पर्दा के सामने बैठ के ब्लॉग बनाता था। वो भी एक साइकिल से शुरुआत किया था वीडियो बनाना, आज फॉर्चूनर चढ़ रहा है, ये सब पब्लिक का प्यार और सब पब्लिक ने मिलकर आज उनको बड़ा यूट्यूबर बनाया। बड़े बड़े फैन जो सोचे थे बड़े बनाएंगे, गरीबों को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट किया तो वो उनके साथ गरीबों को वो देखना भी बंद कर दिए है। जैसे उसको फायदा होगा ना, जिससे उसको अपना स्वार्थ पूरा होगा वो काम वो करेगा, बल्कि गरीबों का सपोर्ट वो कभी नहीं करेगा। लोग वो क्या बोल रहे हैं जो मेरे साथ वीडियो में नहीं आएंगे, मेरे साथ वीडियो नहीं बनाओ, चाहो तो केवल फोटो खींच लो, तेरा फोटो खींचे क्या रात दिन पूजा करेंगे? ओम जय जगदीश हरे। पता ही नहीं था जो आगे चल के तू फेमस होने के बाद इतना स्वार्थी मतलबी दोगले इंसान हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं सोची थी, पर आज तुमने ऐसा निकल गया, क्या बोलू। एक दिन वो भूल रहा है जो किसी गरीब ने ही मुझे सपोर्ट करके आज बड़े लोग बनाए हैं, और वो गरीब को आज हम लात मार रहे हैं, द्वार पर से भगा रहे हैं। अरे ऊपर वाले घर में देर है पर अंधे नहीं, तुम्हें जितना भी घमंड है ना यूट्यूब का सब टूट जाएगा। समय आने दो, वक्त करो इंतजार, समय का इंतजार करो, सब तुम्हारा ये यूट्यूब का घमंड है ना वो टूट ही जाएगा। इतने दोगली लोग हो जाओगे आगे चल के, ये किसी ने नहीं सोचा था इतने मतलबी इंसान। जरा देखो उसको भी, यूट्यूब वाले बाबा हो या फिर गोरखपुरिया भोज, और कई सारे यूट्यूबर्स है जो कैसे गरीबों का सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से गरीबों को मदद कर रहा है, कैसे मोटिवेट कर रहा है कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और एक और तुम हो जो गरीब को तुम देखना भी बंद कर दिए हो, क्या जमाना है यार। जब सपोर्ट मांगना रहता है तो हाथ जोड़ करके सपोर्ट मांगते हैं, और जब आगे बढ़ जाते हैं तो लोगों को तो देखना भी बंद कर देते हैं, और सपोर्ट की तो दूर की बात है। वो उनके साथ वीडियो बनाएगा जिससे कि उनका स्वार्थ पूरा होगा, जिससे उनको फायदा होगा, जैसे यूट्यूब वाले बाबा हो गए और भी कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, वो जाएंगे उनके साथ वीडियो बनाने के लिए जिनसे उनको फायदा होगा, बस केवल उनको साथ ही वीडियो बनाएंगे, मतलब अपने लेवल के लोगों से, गरीबों से नहीं। दोस्तों आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, मुझे या फिर मनोज दे को? आप लोग किसे सही मानते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट के इंतजार करूंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।